मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के दत्तूबाड़ी, जो कह सकते हैं कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन से नज़दीक, जहां ये फ्लाईओवर ब्रिज जो है आकर ख़त्म होती है। दत्तूबाड़ी का इलाका है ये, और यहां पर देखेंगे कि आप इस तरह का गटर खुला हुआ है और ऐसे छोटे छोटे बच्चों का यहां से आना जाना होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से एक ही नहीं यहाँ पर खुला है गटर, और भी जो यहाँ पर जितने भी एक लाइन से गटर है वो खुले हुए देखेंगे। एक पत्थर रखकर यहाँ पर ये दूसरा जो है ढक्कन नहीं है, यहाँ पर ये बंद किया गया है। और इसी तरह से देखेंगे आप कि ये तीसरा है, जो तीसरा है ये भी जो यहाँ पर बंद किया गया, जिसमें से छड़ वगैरह निकले। मनसे के इरफान सैयद यहाँ पर ये जो है आंदोलन कर रहे, इसी में उतर के विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक है। और भी आगे जो स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक स्थिति है। ये देखेंगे आप, ये खुला हुआ है और यहीं से लोगों का आना जाना होता है। बड़े बड़े विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई जो है आपके सामने है कि किस तरह से ये सब गटर यहाँ पर खुले हुए हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनकी भी नज़रें इस पर नहीं पड़ती हैं। ऐसे यहाँ से जो रोड है आप देख रहे हैं, ये रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और जो लोग हैं वो इसी फुटपाथ से होकर पैदल जो है जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब खुला हुआ है, जो कभी भी हादसा हो सकता है। इसमें देखेंगे आप, आपको दिखाएंगे कि छड़ सरिया सब इसमें निकला हुआ है, अगर कोई भी इसमें गिरा तो ये जो है उसको लग भी सकता है और काफ़ी ख़तरनाक ये साबित हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रात के समय में यहाँ पर अंधेरा भी रहता है और ये सब खुला हुआ है। स्थानीय लोगों का आना जाना यहाँ से होता है और मनसे के पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर देखेंगे कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गटर नाले में उतर कर बात करते हैं। ज़रा बच्चे लोग साइड हो जाइए थोड़ा सा। ये मनसे के पदाधिकारी इरफान सैयद जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर गटर नाले में उतर के, और यहाँ पर ये गटर खुला रहता है इसी को लेकर मनसे का यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, क्योंकि एक नहीं आप देखेंगे 5 से 6 गटर यहाँ पर खुले हुए हैं। लकड़ी का प्लाई वगैरह रखकर ऐसे ढका गया है यहाँ पर। अगर आप शहर में कहीं पर भी जिंदगी बचती है तो यहाँ के नगर सेवकों का बराबर ध्यान जाता है, लेकिन जो कुछ आने जाने वाले लोग हैं उनसे जरा बात करते हैं। चाचा क्या बताएंगे आप, ये पूरा गटर का ढक्कन खुला है यहाँ से वहाँ तक, कभी भी हादसा हो सकता है, बच्चों का भी आना जाना है, सप्लाई रख रख के ढका गया है, क्या बताएंगे? लापरवाही है, कभी भी हादसा हो सकता है, छड़ वगैरह निकले हैं सब। ये तो जो इधर का जो चुन के आयल है उन लोग को नज़र रखना चाहिए कि हमने क्या काम किया है, हमको क्या काम करना है पब्लिक का। ये लोग हाथ जोड़ के वोट ले रहे हैं, समझा? उन लोग को ये सब चीज़ के लिए गौर फिक्र करना चाहिए। पब्लिक क्या करेंगी? पब्लिक का भी मोहताज है, पब्लिक किसके पास जाएंगी? क्योंकि पब्लिक के पास तो कुछ फंड नहीं है। बोलना है कि कहने के बावजूद काम नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, वो उन लोग को मालूम नहीं, सब मालूम पड़ता है ना किधर क्या है किधर क्या नहीं है, सब कुछ जानकारी होने के बाद भी नहीं करते। हाँ बिल्कुल, प्रहार टाइम से। तो आपने सुना कि जो राहगीर है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जो है इस सब का काम करे। आखिर ये खुला क्यों छोड़ा गया है? यहाँ पर हादसे भी हो सकते हैं, बच्चे गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। जो राहगीर हैं उनसे भी बात की, हालांकि इरफान सैयद जो है वो यहाँ पर हैं, देखेंगे आप कि वो खुले हुए गटर में उतर कर विरोध कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका। इरफान भाई, कुमकरण की न्यूज सो रहा है, आप गटर में उतर कर विरोध कर रहे हैं, क्या बताएंगे? मैं यहाँ पर टीएमसी का खुला विरोध कर रहा हूँ कि टीएमसी जो है मुंब्रा में जिस तरीके से कुमकरण की नींद सो रही है कि यहाँ पर लोगों के लिए चलने के लिए जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिंगल रोड है यहाँ पर, और यहाँ पर बेतहाशा लोग रहते हैं, रेती बंदर तक लोग पैदल जाते हैं, या यहाँ पर भी जो लोग हैं वो जाते हैं, या इधर से जो है बॉम्बे कॉलोनी या मुंब्रा स्टेशन चल करके जाते हैं, तो ये कहाँ से जाएंगे? मतलब जो फुटपाथ है उसके जो 5-6 ढक्कन जो है खुले हुए हैं,
अब वो ढक्कन खुले हुए तो लोग कहाँ से चल के जाएंगे, मतलब ये तो दुर्घटना बड़ी हो सकती है, मौत हो सकती है, मतलब ढक्कन खुले हुए हैं तो लोग चलते चलते, देखिए यहाँ पर आप एक एक देख लीजिए किस तरीके से खुला हुआ है, तो ये आने जाने वाले लोग इसमें गिर करके उनकी जान ही जाएगी ना, तो इसलिए मैं प्रशासन से यहाँ की TMC को जगाना चाहता हूँ। मैं जब तक खड़ा रहूँगा कि यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ का TMC जागता नहीं है। सबसे बड़ा मसला TMC का है जो कुंभकर्ण की नींद पूरे मुमरा कौसा में सो रही है। देखो ये जो यहाँ के स्थानिक जो नगर सेवक हैं वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, तो उनको मैं जगाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी नज़र जो है इल्लीगल बिल्डिंगों में जल्दी पड़ती है, लेकिन ये लोगों के फुटपाथ पे कब पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके जरिए से, हमारे जरिए से ये जो गटरें खुली हैं, हो सकता है फुटपाथ पर उनकी नज़रें पड़े और उनकी आँख खुले। और भी कुछ लोग यहाँ पर राहगीर है, उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? हेलो भाई, बात करो। क्या बोलेंगे आप लोग, खुला हुआ है यहाँ पर गटर? पहले बात करो ना, क्या हुआ बोलिए ना, उसमें क्या है? अगर आप आवाज बोलोगे तो फिर कैसे चलेगा? कौन बोलेगा? कोई बात नहीं है, कुछ लोग हैं लेकिन बोलने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि गटर जो है वो खुला हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? फारूक। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पर रहता हूँ। यहाँ पर ये जो खुला हुआ है, कितने दिन से ये खुला हुआ है? ये तो बहुत दिन से सर खुला हुआ है। कभी हादसे वगैरह हुए इसमें? हाँ, हादसे एक दो बार हो चुके हैं। क्या हुआ? बस ये पब्लिक रोड पे जाती है तो गाड़ी वाले उड़ा देते हैं भाई, जब फुटपाथ और ये खुला है, बच्चे भी गिर सकते हैं इसमें। अभी गिरे हैं या नहीं गिरे? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर हो सकते है, हादसा हो सकता है, खुला हो जाएगा तो हादसा तो होगा ही सर। हाँ जी, बच्चे गिरे थी, इसमें नहीं गई थी, वो पीछे वाले में गिरी थी। पीछे वाले में? हाँ गिरी थी, बहुत दिन हो गए, मतलब एक से दो महीना हो गया है। अच्छा, तब से एक दो महीने से ऐसे खुला पड़ा है? हाँ, बहुत बहुत साल से ऐसे है। चोट लगा था? नहीं नहीं, सही सलामत से नाली में गिरी थी, इसको खिलने विलने कुछ भी नहीं लगे थे, उसके अम्मी ने निकाल लिए थे। कहाँ रहते आप? मैं जनबाग में रहती हूँ। आपने सुना कि बच्ची जो है वो बता रही कि एक बच्ची इसमें जो है कुछ दिन पहले, एक दो महीना पहले गिर गई थी, लेकिन उसे सही सलामत निकाला गया। इसमें हालांकि जो कील वगैरह निकले हैं वो उसे नहीं लगा, बच गई थी वो। यहाँ से तमाम लोगों का आना जाना होता है, देखेंगे कभी भी ऐसे लोग यहाँ पर जो है गिर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर है। क्या बताएँगे आप, जो ये गटर खुला हुआ है यहाँ से आते जाते आप लोग? ज़्यादातर लोग बोल नहीं रहे कैमरे पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है काफ़ी ख़तरनाक स्थिति है। आप देखेंगे कि यहाँ पर करीब ऐसे 6 जो है गटर के ढक्कन जो है खुले हुए हैं, और एक लाइन से ये पूरा है जो 6 गटर के ढक्कन हैं वो खुले हुए हैं। बहरहाल मनपा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, इन जो खुले हुए गटर के ढक्कन हैं इनको जल्द से जल्द जो है बंद किया जाना चाहिए।